गुड इवनिंग सभी को। डिवाइन क्लास कोचिंग क्लासेस में मैं भूपेंद्र मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख कृषि क्रांतियां और जानेंगे कि जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ उसके बाद हमारे राष्ट्र में विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियां चलाई गईं जिसका मुख्य उद्देश्य था कि उत्पादों को बढ़ावा देना एवं उनके उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करना। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि कौन सी क्रांति चलाने से कौन से उत्पाद को जो है बढ़ावा मिला। जैसे प्रथम है सदाबहार क्रांति, द्वितीय है ग्रीन गोल्ड क्रांति, हरित सोना क्रांति, धूसर या स्लेटी क्रांति, सूर्योदय सनराइज क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति। इन क्रांतियों को चलाकर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इन क्रांतियों को चलाया गया। चलिए जानते हैं सदाबहार क्रांति, इसका तात्पर्य होता है इस क्रांति को जैव तकनीक को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया। जैव तकनीक को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया यह क्रांति या कृषि उत्पादों को भी उनके उत्पाद में बढ़ोतरी के लिए यह क्रांति चलाई गई। फिर आपका आता है ग्रीन गोल्ड क्रांति, यह आपका होता है चाय उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति आपकी होती है चाय उत्पादन से। फिर आपका होता है हरित सोना क्रांति, इसका इस क्रांति को इसलिए चलाया गया जिससे कि बांस की फसल को या बांस को बढ़ावा दिया जा सके, तो यह बांस उत्पादन से है। फिर आपका आता है धूसर या स्लेटी क्रांति, इसका इस क्रांति को सीमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया, अर्थात सीमेंट उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए चलाया गया। सीमेंट उत्पादन, सीमेंट उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए, सीमेंट उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए धूसर या स्लेटी क्रांति चलाई गई। उसके बाद आपका आता है सूर्योदय या सनराइज क्रांति, इस क्रांति को चलाया इसलिए गया कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आपका सूर्योदय या सनराइज क्रांति चलाई गई। हरित क्रांति आपकी या जो खाद्यान्न उत्पाद या फिर कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया। खाद्यान्न उत्पाद, या कृषि उत्पाद को, कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति चलाई गई। उसके बाद आपकी आती है श्वेत क्रांति, इस क्रांति को दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाया गया। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए या इस उत्पाद की अधिकता को अधिकता करने के लिए श्वेत क्रांति चलाई गई। फिर इसके बाद आपकी आती है नीली क्रांति, नीली क्रांति को मत्स्य उत्पादन हेतु चलाया गया। मत्स्य उत्पादन हेतु चलाया गया इस क्रांति के चलाने के बाद से मत्स्य उत्पाद में अधिकता लाई गई। पुनः हम लोग देखेंगे सदाबहार क्रांति जैव तकनीक या कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए चलाया गया। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन, चाय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया। हरित सोना क्रांति बांस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया। धूसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए चलाया गया। सूर्योदय या सनराइज क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन या कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया। श्वेत क्रांति जो है यह दुग्ध उत्पाद को और अधिक उत्पादन हेतु चलाया गया। और नीली क्रांति आपकी, इसमें मत्स्य उत्पादन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए चलाया गया। फिर इसके बाद आपका आता है भूरी क्रांति, फिर आता है रजत क्रांति, फिर उसके बाद आती है पीली क्रांति। तो इस प्रकार हम जानेंगे भूरी क्रांति चलाने के क्या उद्देश्य थे। तो भूरी क्रांति चलाने का उद्देश्य था कि आपका उर्वरक में बढ़ावा देना, उर्वरक उत्पादन से। फिर रजत क्रांति आती है, रजत क्रांति का आपका तात्पर्य था अंडा उत्पादन से। फिर आपकी आती है पीली क्रांति, पीली क्रांति को इस चलाया गया क्योंकि तिलहन की फसल को बढ़ावा दिया जा सके, अर्थात तिलहन उत्पादन से।
फिर उसके बाद आती है कृष्णा क्रांति। इस क्रांति को बायोडीजल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चलाया गया, बायोडीजल, बायोडीजल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चलाया गया। उसके बाद आती है लाल क्रांति। इस क्रांति को इसे चलाया गया ताकि मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। मांस उत्पादन या मांस और टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। फिर आपकी आती है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति को झींगा मछली के उत्पादन हेतु चलाया गया। झींगा मछली के उत्पादन हेतु, उत्पादन हेतु चलाया गया। फिर उसके बाद आपकी आती है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति को चलाने का उद्देश्य मसाला उत्पाद को बढ़ावा देना था। मसाला उत्पादन को, मसाला उत्पादन करना है। फिर उसके बाद आपकी आती है सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति। इसका उपयोग, इसका चलाने का मतलब ये था कि शहद या फल उत्पादन को और गति से इसका इसके उत्पाद को प्रभावी बनाया जा सके। तो क्या इसका था? फल और शहद, शहद उत्पादन हेतु। पुनः हम लोग देखेंगे भूरी क्रांति को उर्वरक उत्पादन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाया गया। रजत क्रांति को अंडा उत्पादन हेतु चलाया गया। पीली क्रांति को तिलहन उत्पादन हेतु चलाया गया। कृष्णा क्रांति को बायोडीजल उत्पादन हेतु चलाया गया। लाल क्रांति को मांस और टमाटर उत्पादन हेतु चलाया गया। गुलाबी क्रांति को झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया। बादामी क्रांति को मसाला उत्पादन या मसाला उत्पाद को और अधिक उत्पादन करने हेतु इस क्रांति चलाई गई। और अंतिम आपके सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति फल और शहद उत्पादन हेतु चलाई गई। फिर आपकी आती है अमृत क्रांति, गोल क्रांति, सैफरन क्रांति और खाकी क्रांति। तो अमृत क्रांति को चलाने का उद्देश्य था नदी जोड़ो परियोजना, अर्थात नदियों का जो है समागम कराया गया, उनको जोड़ा गया और सिंचाई की जो है सिंचाई के साधन को और आसान एवं सुचारू रूप से बनाया गया। गोल क्रांति का उत्पादन था आलू उत्पादन से। सैफरन क्रांति का उत्पादन था केसर उत्पादन से। और खाकी क्रांति का चलाने का उद्देश्य था कि चमड़ा उत्पाद को और बढ़ावा दिया जा सके। पुनः देखेंगे अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं हेतु चलाई गई, गोल क्रांति आलू उत्पादन हेतु चलाया गया, सैफरन क्रांति केसर उत्पादन हेतु चलाया गया और खाकी क्रांति आपका चमड़ा उत्पादन हेतु चलाया गया। फिर आपका आता है काली क्रांति। ये आपकी होती है पेट्रोलियम उत्पादन से। पेट्रोलियम उत्पादन से। फिर आती है गोल्डन फाइबर क्रांति, या आपका होता है जूट उत्पादन से। जूट उत्पादन से। फिर आपकी आती है सिल्वर फाइबर क्रांति, या आपका होता है कपास उत्पादन से। कपास उत्पादन से। पुनः इंद्रधनुषी क्रांति इसलिए चलाई गई थी क्योंकि तो जितनी भी प्रकार की क्रांतियों का संचालन किया गया या चलाया गया तो इन धनुषीय क्रांतियों के द्वारा सभी क्रांतियों पर नजर रखने हेतु चलाया गया, अर्थात सभी क्रांतियों पर नजर रखने हेतु, क्रांतियों पर नजर रखने हेतु इंद्रधनुषी क्रांति चलाई गई। फिर आपका आता है व्हाइट गोल्ड क्रांति। इस क्रांति को चलाने का उद्देश्य था कपास उत्पादन से, अर्थात द्वितीय क्रांति में कपास उत्पादन से इस क्रांति को चलाने का उद्देश्य था। कपास उत्पादन से। और ये कपास क्रांति जो है ये द्वितीय क्रांति रही, ये प्रथम ही द्वितीय द्वितीय क्रांति। प्रथम बार सिल्वर फाइबर क्रांति चलाई गई कपास उत्पादन के लिए, कपास उत्पादन के लिए। पुनः फिर व्हाइट गोल्ड क्रांति चलाई गई कपास उत्पादन हेतु। मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में द्वितीय क्रांति। और आपका लास्ट आता है खाद्य श्रृंखला क्रांति।
इस क्रांति को भारतीय किसानों की 2020 तक आमदनी को दोगुनी करने के लिए चलाई गई। भारतीय किसानों की आय को भारतीय किसानों की आय को 2020 तक, जो वर्ष बीत चुका है 2020 तक, उनकी आमदनी को दोगुनी करने हेतु चलाई गई। पुनः देखेंगे, काली क्रांति आपका पेट्रोलियम उत्पादन से है और गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से है, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से है, इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु चलाई गई, व्हाइट गोल्ड क्रांति पुनः कपास उत्पादन को दोबारा बढ़ाने के लिए चलाई गई व्हाइट गोल्ड क्रांति, और लास्ट में आपका खाद्य श्रृंखला क्रांति चलाई गई जो कि भारतीय किसानों की आय को 2020 तक उनकी आमदनी को अर्थात दोगुनी करने से तात्पर्य था। धन्यवाद।